हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ AKG। आई नो तुम्हारे मन में कुछ सवाल चल रहे होंगे। पहला सवाल कि भाई कहाँ गायब थे तुम दो दिन से, और दूसरा सवाल कि भाई तुम इतने स्मार्ट कैसे दिखा रहे यार। ठीक है मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ यार, गायब थे दो दिन तक, और मैं मान रहा हूँ मेरी गलती है, और पिछले दो महीने से ज़्यादा गायब वाला खेल हो रहा है, बट अब से नहीं होगा, आई विल मेक इट श्योर। बाकी आज की वीडियो में बात कर लिया जाए तो वी कैन से इट नाउ दैट ऑफिशियली वी हैव अ प्रेसिडेंट बार्सिलोना में, क्योंकि अभी तक ऑफिशियल नहीं था ना, है ना। मतलब अभी तक कई सारे फॉर्मेलिटीज़ थी जो फुलफ़िल करना बचा था, तो वो फॉर्मेलिटीज़ जो है वो फुलफ़िल हो चुकी हैं। कल इनॉग्रेशन हुआ है, ओथ लिया गया है, स्पीच दिया गया है, एंड द स्पीच वॉज वंडरफुल, पॉजिटिविटी से भरा हुआ, एंथुजियाज़म के साथ भरा हुआ। और इस वीडियो में वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट स्पीच, ब्रेकिंग डाउन दैट स्पीच, और ट्राई करेंगे जानने की भाई साहब क्या सीन है, मतलब कितना बेहतरीन स्पीच था, बस मैं वो तुमको बताना चाहता हूँ, ठीक है। एनीवेज, बहुत बेहतरीन स्पीच था जहाँ पे मेसी के बारे में बात किया गया है, कोमेन के बारे में बात किया गया, फाइनेंशियल प्रॉब्लम के बारे में बात किया गया, ला मासिया के ऊपर भी स्ट्रेस किया गया। सो बहुत बेहतरीन स्पीच था, और उसके बारे में जो है वो अपन इस वीडियो में ब्रेक डाउन करने वाले हैं, ठीक है। एनीवेज, देखो यार, सबसे पहले तो तुम अगर न्यूज़ को फॉलो कर रहे होगे तो ऐसा कुछ था कि लापोर्ता जो है वो एक फाइनेंशियल क्राइटेरिया को मीट नहीं कर पा रहे हैं, कुछ पेमेंट गारंटी करके कुछ सीन था, वो मीट नहीं हो पा रहा है। अबाउट 124 मिलियन का कुछ फिगर था जिसको लापोर्ता को देना रहता है, तो वो फुलफिल नहीं हो पा रही थी, क्योंकि आखिरी में जो उनके फाइनेंशियल स्पोर्टिंग डायरेक्टर होने वाले थे वो हट गए। एक कंपनी नाम थी जिसका नाम ऑडेक्स रेनोवेबल कंपनी था, वो भी हट गया। साथ ही साथ एडवर्ड रोमियो करके कोई एक बंदा था, वो भी इनके बोर्ड से हट गया। तो ये तीन चार बंदों के चलते 6-10 मिलियन का फिगर कम पड़ रहा था। अब तुम जानना चाहोगे कि भाई ये क्या सीन है, तो ये सीन ऐसा होता है कि कोई भी प्रेसिडेंट को इलेक्ट होने से पहले 15% जो बार्सिलोना के टोटल ट्रांसफर बजट का शायद 15% रहता है कुछ, वो सबमिट करना पड़ता है। सिंपल टर्म्स में बोलूँ तो जैसे सिक्योरिटी डिपॉजिट अपन सबमिट करते हैं ना, वैसे सिक्योरिटी डिपॉजिट टाइप का सीन कुछ रहता है कि 15% आपको सबमिट करना रहता है। तो लापोर्ता के सामने 124 मिलियन का जो है वो यूरो का सम रखा गया, इसको आपको फुलफिल करना था, और अगर आप ये फुलफिल नहीं कर पाओगे तो वापस से रीएलेक्शन होगा, वापस से कोई इंटरिम प्रेसिडेंट आएगा, और फिर से वही सब चीज़ें होंगी। तो आखिरी में, क्योंकि ये तीन चार बंदे स्टेप डाउन कर गए, 6-10 मिलियन का फिगर कम पड़ रहा था, लेकिन फॉर्चुनेटली कैटलूनिया में कोई सारे कंपनीज हैं वो आ गई, तो वो बोर्ड में एक प्लेस ली है पैसा दे करके, और उससे पैसे से फुलफिल किया गया है ये 124 मिलियन का जो भी सम था। तो फाइनली ये सम को भी ओवरकम कर लिया गया, और ये चीज़ प्रूव कर दी कि लापोर्ता कैसे अपने प्रॉब्लम से सॉल्यूशन निकाल के लिए आते हैं। और फाइनली वो चीज़ कंप्लीट करने के बाद कल सारे ऑफिशियल काम हो गई, और लापोर्ता जो है वो चार्ज ले लिए हैं हमारे प्रेसिडेंट का। एनीवेज, अगर मैं बात करूँ स्पीच के बारे में, तो लेट्स स्टार्ट विथ हाउ ही स्टार्टेड द स्पीच। सबसे पहले वो जो है वो थैंक करते हैं सभी मेम्बर्स को, सभी सोशियोस को जो उनके लिए वोट करे। साथ ही साथ उन्होंने इस चीज़ को एड्रेस किया कि भाई साहब यहाँ पे टोनी और विक्टर भी बैठे हुए हैं जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए खड़े थे, और वो आज अगर यहाँ पे बैठे हैं तो ये प्रूव करता है कि बार्सा फैमिली जो है वो बहुत बड़ी है, और ये चीज़ बहुत मीन करती है यार। एक ऐसा प्रेसिडेंट तो दिल से स्पीक करता है ना, वो जॉन लापोर्ता है। मतलब इनके अंदर वो कैरिज्मेटिक वाला पर्सनैलिटी तो है ही है, बट इनकी स्पीच में, इनकी पर्सनैलिटी में एक मतलब ट्रूथफुलनेस नज़र आती है, मतलब ऐसा कुछ झूठा छलावा टाइप का नहीं नज़र आता है। एंड दिस इज़ वॉट यहीं पर लापोर्ता जो है वो अपना दिल जीतते हैं सभी फैंस के, सभी मेम्बर्स के। साथ ही साथ ये आगे बढ़ते हैं। अच्छा, और बात, बहुत लंबी स्पीच थी, 23 मिनट से 54 मिनट तक का स्पीच था, तो तुम मैथ्स कर लो यहाँ कितना लंबा स्पीच था, आधे घंटे प्लस स्पीच था। तो हर एक चीज़ के बारे में बात नहीं करेंगे, हाइलाइट्स के बारे में बात करेंगे। सेकंड ऑफ ऑल उन्होंने ये बात करी कि भाई और वंडरफुल स्टेज है बार्सिलोना की हिस्ट्री में, जिससे वो ये रिफ्लेक्ट करना चाह रहे थे कि जो डेमोक्रेसी वाला सीन है ये कितना बड़ा है वर्ल्ड फुटबॉल में। हर एक क्लब के पास ये नसीब नहीं होता, और मैं ये खुद मानता हूँ कि वी आर ग्रेटफुल इनफ टू सी दिस काइंड ऑफ थिंग हैपनिंग इन आर क्लब, जहाँ पे प्रेसिडेंट को सिलेक्ट किया जाता है और जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनका ऐसा लगता है कि हाँ यार यहाँ सुनवाई है। अगर बाटे में हग रहा है तो भाई अगला प्रेसिडेंट आएगा जो अपने आप को प्रेजेंट करेगा कि भाई मैं ऐसा ऐसा करना चाहता हूँ, फिर उसको चूज़ किया जाएगा। तो एक बहुत बड़ा बात है, और ये बहुत सही बात है। साथ ही साथ डिस्पाइट ऑफ ऑल दी प्रॉब्लम्स, वी नो कि कितने सारे प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स हैं, आगे चलने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर प्रॉब्लम्स हैं, मेसी का रिन्यूअल बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसके बारे में अपन अभी आगे बात करेंगे ऑफकोर्स। तो डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम्स सराउंडिंग लापोर्ता, ही जस्ट सेज इट कि भाई आई एम रियली ऑप्टिम
ऑप्टिमिस्टिक एंड पीपल अराउंड मी नोज दैट आई एम वेरी पॉजिटिव एंड आई ऑलवेज वॉन्ट टू बी पॉजिटिव. और ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है. अगर जो क्लब का हेड है यानी अब जो भी प्रेसिडेंट है वो अगर परेशानी में होगा एकदम ऐसे तो वो डिसीजन सड़े लेगा उन परेशानी को डील करने के लिए. बट यहाँ पे ऐसे सिचुएशन में लापोर्ता का ये कहना कि मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ, मैं पॉजिटिव रहना चाहता हूँ हर एक सिचुएशन में और हम लोग हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल के ले आएंगे, दिस प्रूव्स अलॉट दैट लापोर्ता इज द मैन विद कैलिबर जो ये चीज़ को हैंडल कर सकते हैं. दिस इज वॉट आई लव अबाउट दिस मैन. आगे रोनाल्ड कोमैन के बारे में बात करते हैं. रोनाल्ड कोमैन को ये चीज़ क्लियर कट कह दिया जाता है क्योंकि बहुत सारे र्यूमर्स निकल के आ रहे थे. मिकेल आर्टेटा का निकल के आ रहा था कि मिकेल आर्टेटा को लापोर्ता का बोर्ड जो है वो लाना चाह रहे थे. नेगलसमैन का एज वी ऑल नो ऐसा चल रहा था. चावी तो भाई बहुत ज़्यादा जो है वो न्यूज़ में चल रहा था. सबके सामने इतने बड़े स्पीच में सीधी सीधी क्लियर कट बात कर दिया. रोनाल्ड कोमैन को ये कहता है, रोनाल्ड कोमैन यू हैव द कॉन्फिडेंस ऑफ द बोर्ड, यानी तो मान लो अगले सीजन रोनाल्ड कोमैन ही हमको नजर आने वाला है. एंड दिस इज व्हाट प्रूव्स व्हाट अ मैन लापोर्ता इज. भाई इतनी औकात रखना ना कि इतने बड़े स्पीच में जो पूरी दुनिया देखेगी वहाँ पे आप सामने आकर के ये चीज़ सीधा कह रहे हो कि ये जो र्यूमर्स फैले जा रहे हैं ना ये सब गलत है. रोनाल्ड कोमैन यू आर द मैन. अब इससे क्या होगा तुम जानना चाहोगे, तो भाई इससे पॉजिटिविटी फैलेगी. वी ऑल नो रोनाल्ड कोमैन ने किस हिसाब से ड्रेसिंग रूम को बाइंड किया है टुगेदर, कैसे माहौल बदला है ड्रेसिंग रूम का आफ्टर लड़की के सतियन वाला इंसिडेंट. सभी लोग जो हैं वो एक फैमिली की तरह खेलते हैं, एक टीम की तरह नज़र आते हैं और इसका हाथ है रोनाल्ड कोमैन का बिहाइंड द ड्रेसिंग रूम. उसने जो भी किया है वी डोंट नो बट ही हैज़ डन अ वेरी ग्रेट जॉब एंड आई थिंक ही डिजर्व्स दैट कि भाई प्रेसिडेंट सबके सामने आकर के उसको कॉन्फिडेंस दे. और इससे रोनाल्ड कोमैन का कॉन्फिडेंस तो बूस्ट होगा ही होगा, साथ ही साथ प्लेयर्स का भी कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, मोरल बूस्ट होगा कि जिस कोच में हमने ट्रस्ट किया, जिस कोच को हम रेस्पेक्ट दे रहे हैं, प्रेसिडेंट सामने आकर के कह रहे हैं कि भाई साहब रोनाल्ड कोमैन यू हैव द कॉन्फिडेंस ऑफ आवर बोर्ड. आगे वो बात करते हैं लामासिया के बारे में और वो कहते हैं कि हाँ सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एलिमेंट है लामासिया का प्रोटेक्ट करना. और ऑफ कोर्स यार हमने देखा मोरिएबा आ रहा है, पेद्री आ रहा है, आगे और भी सारे, सॉरी पेदरी तो लामासिया का प्रोडक्ट नहीं है, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट, बट हाँ मोरिएबा आ रहा है, रिकीपूछ आ रहा है, कार्लिस एलेने आ रहा है, आगे और सारे प्लेयर्स हैं जो लाइंड अप है, मिंगेजा, फाटी और आगे प्लेयर्स लाइंड अप है, एलेक्स कोलैडो, एक और कोई नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, एक और कोई प्लेयर है लामासिया का. तो इतने सारे जो हैं वो मिडफील्डर्स हैं, अटैकर्स हैं जो लामासिया से निकल के आ रहे हैं और मेरे ख्याल से ये जनरेशन टैलेंट वापस से निकल के आने वाला है. जैसे एक समय 2009, 2010, 2006, 2007 में हुआ था ना जब चावी, इनिएस्टा, बुस्केट्स, पीके, ये सब लामासिया के प्लेयर्स हमको देखने को मिले थे. आई गेस ये फिर से होने वाला है लापोर्ता के टेन्योर में, क्योंकि अब पता नहीं किस्मत कह लो या कुछ भी कह लो, ये मेरे को नज़र आ रहा है. क्योंकि तुम देखो फाटी वर्ल्ड क्लास स्टार बन गया है, मिंगेजा अपने आप को प्रूव कर रहा है, मिडफील्ड में रिकी पूछ को भी कहा जाता है कि बहुत बेहतरीन है, एलेक्स कोलाडो मैंने बारसा बी के एक आध दो मैच देखे, जब जब वो बंदे के पास बॉल आती थी लगता था कि यार इसको ले लो फर्स्ट टीम में, ऐसा एक प्लेयर है एलेक्स कोलाडो. सो मेरे ख्याल से अभी आने वाले टाइम पे अगर ग्रीजमैन जाता है, उमटीटी जाता है और ऐसे बड़े नाम्स तुमको जाते हुए दिखेंगे ना, देयर विल बी प्लेयर्स लामासिया से जो आकर के स्टेप अप करेंगे और फिर हमको 10-15 साल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. जैसे नए नए समय में जब चावी, इनिएस्टा, बुस्केट्स, पुयोल इन लोग सब आए थे, एरिक गार्सिया भी आने वाला है. सो ये भी लामासिया का ही ग्रेजुएट है, तो वो भी चीज़ हमको देखने को मिलेगा. और ये चीज़ भी जो है वो हमारे प्रेसिडेंट साफ साफ कहते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट लामासिया है, एलिमेंट लामासिया है और इसी के चलते हमारे क्लब को जाना जाता है. भाई साहब आर क्लब हैज़ अ हिस्ट्री और जिसके चलते बार्सिलोना को इतना प्यार किया जाता है थ्रू आउट द वर्ल्ड. आगे मैसी के बारे में बात करते हैं. दिस वॉज द फेवरेट पार्ट, मेरे ख्याल से सभी बार्सा फैंस का ये फेवरेट पार्ट होगा. पूरे भाई साहब माहौल के बीच में जहाँ लाखों लोग करोड़ों लोग देख रहे हैं आपको, लाइव देख रहे हैं और पता नहीं कितने बार लोग देखेंगे, जहाँ पे आप ओपनली जो है वो मैसी को कहते हो कि भाई आई विल ट्राई टू कन्विंस मैसी टू स्टे. सॉरी लियो को कहते हुए, सॉरी भाई तेरे मैं सामने ये सब के बारे में बात कर रहा हूँ, इससे प्रेशर आ सकता है लियो मैसी के ऊपर कि भाई प्रेसिडेंट सामने कह दिया अब मैं कैसे जाऊं या ना जाऊं. बट दिस इज व्हाट लापोर्ता इज, वो कहते हैं सॉरी लियो बट आई लव यू एंड दैट बार्सा लव्स यू एंड इफ दिस स्टेडियम वाज फुल, अगर ये स्टेडियम भरा होता पूरे क्राउड के साथ तो तू नहीं जा सकता था यार, यहां से तू नहीं जा सकता था. और बाद में ये भी कहते हैं कि वॉट एवर यू डू विल बी फाइन बट आई ट्राई विथ माई फुल एफर्ट कि मैं तेरे को रोक पाऊं. और ये चीज़ बहुत ही बड़ी जो है वो निकल के आई. और इसके बारे में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि यार
देखो मैं यहाँ पे बहुत बड़ा कोई साइकोलॉजिस्ट तो हूँ नहीं, बट स्टिल जो चीज़ें अपन को देखने को मिली हैं लापोर्टा के आने के बाद, वो चाहे वोटिंग में लियोनेल मेसी का पहली बार जाना क्यों ना हुआ, इनॉग्रेशन स्पीच में आना हुआ, यू नो रोनाल्डो कोमन और पीके के साथ बैठ करके घंटों बातें करना क्यों ना, हमने देखा भाई स्पीच में लोग बात कर रहे थे बहुत देर तक, और लापोर्टा से हग वग करना हुआ, पता नहीं वो एक बॉडी लैंग्वेज नज़र आ रही है कि हाँ अब लियो मेसी जाने से ज़्यादा रुकने के करीब है। यू नो इट विल ऑफ कोर्स डिपेंड अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट एंड फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो भी बार्सिलोना डील कर रही है, वो सब एक अलग ही हो जाता है, बट मेंटेलिटी यू नो मेंटल एस्पेक्ट के बारे में बात करूँ, इट पता नहीं इट सीम्स लाइक यू नो दे बोथ हैव अ यू नो फादर एंड सन काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप, मतलब वो फादर फिगर वाला। जब 2009 में लापोर्टा ने रोका लियोनेल मेसी को जाने से, लियोनेल मेसी ने कहा था कि हाँ लापोर्टा ही जो थे जिसके चलते मैं रुका था, ही इज़ बैक इट एट अगेन एंड यू नो ही इज़ ट्राइंग हिज बेस्ट, यू नो ओपनली आप कहते हो इस चीज़ को, और ऐसा नहीं कि माहौल ख़राब हो गया था, सब ताली मार रहे हैं, सब हंस रहे हैं, इवन लियोनेल मेसी वॉज स्माइलिंग एट दिस मोमेंट, सो पता नहीं ऐसा लग रहा है कि हाँ यार कुछ तो है सीन यू नो दोनों के बीच में, इन दोनों का कनेक्शन है जो हमको 2009-10 में देखने को मिला था, अभी भी देखने को मिल रहा है। आई डोंट नो वॉट विल हैपन, बट जो भी होता है हम खुशी होंगे उस चीज़ से, वी विल बी यू नो अगर मेसी जाता भी है तो वी विल बी हैप्पी दैट लियोनेल मेसी का फ्यूचर कहीं ना कहीं सिक्योर्ड है, अगर रुक जाता है तो फिर इससे अच्छी बात क्या ही हो सकती है। सो यहाँ पर भी वो बात हुई एंड बहुत मज़ा आया, और ये भी उन्होंने कहा कि आई नो यू आर द बेस्ट प्लेयर इन द हिस्ट्री एंड विल ट्राई टू यू नो मेक यू स्टे, बहुत बड़ी बात और बहुत यू नो गट्स लगता है भाई ये चीज़ बोलने में। एनी वेज आगे ये भी कहते हैं कि वी आर अ क्लब दैट इज़ एडमायर्ड फॉर हाउ वी प्ले, रिस्पेक्टेड फॉर आर हिस्ट्री एंड फर्दर मोर लव्ड, ऑफकोर्स ये बात बिल्कुल सही, और इस चीज़ के ऊपर यू नो स्ट्रेस करना ये बताती है कि हम इस चीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे, विल नॉट फॉरगेट आर टिकी टाका वाली फिलोसफी, जैसा आजकल बहुत चल रहा है ना कि इट्स क्रू ऑफ फुटबॉल डैड और ऐसा वैसा ये वो, पता नहीं यार आई एम नॉट द वन टू आंसर दिस, बट स्टिल ये चीज़ बहुत नज़र आ रही है, बट स्टिल लापोर्टा ये चीज़ कहते हैं कि भाई हमारे हिस्ट्री के चलते हमको जाना चाहता है एंड विल कंटिन्यू इट, और बहुत सही बात है। आगे ये भी कहते हैं कि आई हैव अ गुड रिलेशनशिप विद ऑल द प्लेयर्स एंड कोच एंड आई वॉन्ट टू थैंक एवरी वन फॉर coming here today, you all will see a permanent resident at your side who will support and protect this club, and this is what Lapurta is openly bhai sahab ye cheez kehna ki tum log ke sath main khada rahunga, tum log kuch bhi karo I'll protect this club, aur ye cheez Lapurta hai, you know kai bar questions kiya gaya hai Lapurta ke upar ki kya unke financial decisions 2009-2010 mein sahi the jiske chalte financial debt mein thi Barcelona, but this man puts Barca ahead of everything, wo chahe financial problems ho, चाहे फाइनेंशियली डिसीजंस हो, अगर वो चीज़ क्लब के लिए काम करी जा रही है देन ही इज द गाय हु विल डू इट, ही डज नॉट यू नो थिंक्स अबाउट मनी और वगैरह वगैरह वाली चीज़ें, अगर क्लब के लिए इट्स बेटर ही विल डू इट एंड ही विल यू नो मेक इट श्योर कि वो बेटर आगे निकल के भी आएगा, वो तुम ट्रांसफर्स के मामले में ले लो, वो चाहे डिसीजंस के मामले में ले लो, दिस इज द राइट गाय, जो बहुत ज़रूरी था भाई हमारे लिए, यू नो हमारे एज अ कूलर भाई हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत था इस चीज़ का होना कि लापोर्टा वापस आए और वापस से वो फेथ और वो कॉन्फिडेंस दे। आई नो आप लोग कई सारे नए लोग हो गए जो शायद 2015-2014 से बार्सिलोना को देखना चालू करे होगे, जो लापोर्टा की यू नो हिस्ट्री को विटनेस नहीं किया है, बट मैं भी ज़्यादा विटनेस तो नहीं किया हूँ, अपने आप को कुछ ज़्यादा ही महान मानता हूँ, बट हाँ 2012-2013 से जब रॉसवेल था तब किया था, बट स्टिल मैंने जब मैंने देखना चालू किया था 2009-2010 में, मतलब ऐसे थोड़ा मोड़ा जब देखता था तब ऐसा लगता था कि यार ये कोई प्रेसिडेंट है जो सच में काम कर रहा है। मैंने ज़्यादा विटनेस तो नहीं किया है, बट हाँ मैंने जितना भी थोड़ा मोड़ा इंडी पिंदी विटनेस किया इंटरनेट में उस समय भी और अभी भी, इट फील्स लाइक कि दिस इज द राइट गाय, और वो चीज़ होता है। आखिरी में ऑफकोर्स इस चीज़ के बारे में बात किया गया कि हाँ द क्लब का इकोनॉमिक सिचुएशन रेसेस सम कंसर्न एंड दैट इज आर प्रियोरिटी, वी हैव प्लान टू इम्प्लीमेंट इट एंड वी नो हाउ टू डू इट विद फुल एफर्ट एंड वर्क, नाउ वी हैव ऑल द पावर्स टू मेक द डिसीजन, और ऑफकोर्स इसके बारे में जो है वो काम तो ऑफकोर्स किया जाएगा ही जाएगा। चलो थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि अब क्या रियलिस्टिक प्रॉब्लम्स हैं। ये तो स्पीच के बारे में बात हो गई कि हाँ ऐसा ऐसा किया जाएगा ऐसा किया जाएगा, और बहुत ऑप्टिमिज्म है इस स्पीच से, बट रियलिस्टिकली क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में थोड़ा सा बात किया जाए। देखो 600 मिलियन का कोई एक डेप्थ है जो बार्सिलोना को पे करना है अभी यू नो इनकमिंग कब सही यू नो मंथ यहाँ पे लिख दूंगा, अप्रैल नहीं है पता नहीं मई में है शायद आई नो, तो 600 मिलियन का कुछ फिगर है जो आपको पे करना है लोन या डेप्थ जो भी है
वो आपको पे करना है, ये बहुत बड़ा यू नो प्रॉब्लम होगा लापोर्टा के लिए आगे की वो चीज़ से कैसे डील करेगा। साथ ही साथ प्लेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट आने वाले हैं, मिंगेज़ा का कॉन्ट्रैक्ट आने वाला है, बड़ा प्लेयर अंशु फाटी, और तुम जानते हो उसके पीछे कौन है भाई साहब, द सुपर एजेंट इनके पीछे बैठे हुए हैं, तो उनको भी यू नो डील करना पड़ेगा। साथ ही साथ सर्जियो रोबर्टो, इनके भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खत्म होने वाले हैं, तो इससे भी डील करना पड़ेगा। साथ ही साथ वो जो एक प्रॉमिस किया गया है कि वेज विल को कम करना, आई डोंट नो हाउ इज दैट गोना हैपन, बट वो भी एक काम करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स ट्रांसफर्स के ऊपर भी लुक करना पड़ेगा, और इस चीज़ के ऊपर तो एक अलग सी वीडियो बनने वाली है और तुमको बहुत जल्दी देखने को मिलेंगी। यू नो ही विल बी यू नो फोकसिंग ऑन यू नो प्लेयर्स लेटिंग गो, जैसे उमटिटी हो गया या ग्रीज़मान हो गया या फिर फिरपो हो गया, ऐसे कुछ प्लेयर्स हैं जिनको शायद हो सकता है कि हम अपकमिंग डेज में यू नो जाते हुए देखें। ग्रीज़मान तो के बारे में तो आई एम नॉट पर्टिकुलरली श्योर, बट हाँ उमटिटी वगैरह इन लोग सब हमको जाते हुए नजर आ सकते हैं। साथ ही साथ प्लेयर्स इन भी होने वाले हैं, गार्सिया आने वाला है, सो गार्सिया को तो कन्फर्म ही है गार्सिया आएगा। हो सकता है मेम्फिस डीपे हमको देखने को मिले, क्या पता एरिक हालैंड, यू नो इसके बारे में अलग से वीडियो बनाएंगे, बट इस चीज़ के ऊपर भी जो है वो देखना पड़ेगा। एरिक गार्सिया का कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा, फिर से कोई यू नो एकदम जूता बजूता कॉन्ट्रैक्ट ना देते बहुत ज़्यादा वेज वाला, विल सी इट। साथ ही साथ सबसे बड़ा जो है वो टेंशन मेसी के रेन्यूअल के बारे में है, हाउ विल ही हैंडल इट, क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत सारे जो है वो पहाड़ अभी सामने हैं जुआन लापोर्ता के सामने, बट मेरे ख्याल से ऐसी सेम पहाड़ 2003 में भी था इनके सामने जब ये वापस इलेक्ट हुए थे, उस समय तो ड्रॉट में चल रही थी, ड्रॉट में चल रही थी बार्सिलोना, बट अभी तो फिर भी चीज़ें ठीक हैं। एक बार कोरोना ख़त्म हो जाएगा, यू नो पैसे वापस से आने लगेंगे, यू नो ऐसा चल रहा है कॉपर डल रहे के फाइनल में फैंस दिखेंगे हमको, 15,000 फैंस देखने को मिलेंगे, तो दिस शोज दैट स्पेन में हो सकता है आने वाले टाइम पे हमको फैंस यू नो स्टेडियम में आते जाते दिखें, तो वो एक यू नो पॉजिटिव आउटलुक है इस चीज़ को लेकर के। बट आई डोंट नो यू नो प्रॉब्लम्स तो हैं, बट व्हाट आई पर्सनली फील इज दिस इज़ द राइट गाय यू नो जो उन सब प्रॉब्लम से डील कर सकता है, एंड आई एम रियली हैप्पी दैट जुआन लापोर्ता इज़ आर प्रेसिडेंट वंस अगेन। और मज़ा आ गया स्पीच सुन करके यार, एंड आई रियली होप सो कि तुमको भी मज़ा आया होगा। तो लीव अ लाइक ऑफ कोर्स एज यूजुअल, यू नो दैट रियल, सब्सक्राइब शेयर जो भी यार तुमको लगता है करो, मैं जैसे जनरली बोलता नहीं हूँ सब्सक्राइब करने के लिए, बट स्टिल इफ़ यू फील इट सब्सक्राइब करें। और भाई साहब डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर ले, वहां पे पूरा ओवरहॉल दे दिया गया है हमारे कुछ भाइयों के द्वारा, और भाई पूरा डिस्कॉर्ड का माहौल चेंज हो चुका है, पता नहीं क्या क्या गेम चलते रहता है, छपरी फीफा ईफा पता नहीं क्या क्या इन लोग खेलते रहते हैं भाई, मेरे को तो समझ में नहीं आता है, बट स्टिल माहौल अलग हो गया डिस्कॉर्ड का, एक बार आकर के जरूर देखना है ना। ठीक है, टिल द नेक्स्ट वीडियो, आई एम आशीष के साइनिंग आउट, बाय बाय, टेक केयर, पीस, विज गाइस, बारसा, जय हिंद, न्यू वीडियोस कमिंग अप रियली सून और लाइव स्ट्रीम्स विल बी कमिंग अप रियली सून, डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम जहां पे मैं लाइव स्ट्रीम अगर कर रहा हूँगा तो तुमको जो है वो पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और ऑल्सो पता नहीं हाउ इट हैपेंड, मैं जब यूट्यूब चालू किया था मतलब ये वाला चैनल, मेरे 200 या 300 फॉलोवर्स हैं इंस्टाग्राम में, इट हैज़ यू नो रीच्ड अप टू 924, एंड आई एम रियली ग्लैड यू नो दैट नंबर हैज़ रीच्ड, बिकॉज आई हैव स्ट्रगल्ड, यू नो मैं चाहता था कि मेरे इंस्टाग्राम में ज़्यादा नंबर दिखे, एंड इट हैज़। तो थैंक यू टू ईच वन ऑफ यू जो फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम में, अगर आपने नहीं फॉलो किया तो प्लीज़ डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, वहाँ तुमको बिहाइंड द सीन्स और बहुत सारे मजाक मस्ती चलते रहता है स्टोरीज में। साथ ही साथ प्लीज़ 1000 करवा दो, मतलब 1000 करवा दो तो मज़ा आ जाएगा, है ना। ठीक है यार, चलो मिलता हूँ, बाय।